नमस्ते दोस्तों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस, मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम जान लेंगे कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। और एक बहुत बड़ा सवाल, सच में हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं, इसका भी जवाब आज हम जानेंगे। दोस्तों, हिंदी यह भाषा हमारे भारत देश की सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है, वो प्रथम क्रमांक पर है। और विश्व भर में जो सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है उस पर हिंदी भाषा तीसरे क्रमांक पर है। चीनी और अंग्रेजी के बाद हिंदी का नंबर आता है, तो इसलिए हिंदी भाषा यह विश्व में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा के तौर पर उसे उसका स्थान महत्वपूर्ण है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है, हिंदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किसने किया होगा तो वो हिंदी भाषा ने किया है। क्योंकि महात्मा गांधी जी भी हिंदी का पुरस्कार करते थे। 1918 में जब हिंदी साहित्य सम्मेलन भरा था, तब उस साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार उच्चार किया था कि हमें हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। वही पर उन्होंने कहा था कि हिंदी यह भाषा जनमानस की भाषा है। और इस प्रकार हिंदी का जो एक स्वतंत्रता आंदोलन में एक भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और उसी प्रकार उसका विकास होता गया। और जब भारत का संविधान बन रहा था तब बात आई कि हमारे देश की कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, राजभाषा होनी चाहिए। और तब संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी यह हमारे देश की राजभाषा बनेगी। शब्द की ओर आप विशेष ध्यान दीजिए कि संविधान सभा ने जो निर्णय किया था उसमें यह उल्लेख था कि हिंदी हमारी राजभाषा, कार्यालयीन भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी। वहाँ पर उन्होंने ऐसे वर्डिंग नहीं की थी कि वही राष्ट्रभाषा बनेगी। और वह दिन था 14 सितंबर 1949, और इसीलिए इस दिन को हम पूरे देश में हिंदी दिवस की तौर पर मनाते हैं। और यह दिन चुनने का और एक कारण है, क्योंकि हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए, हिंदी भाषा की गरिमा, उसकी महत्ता बढ़ाने के लिए जिन जिन साहित्यकारों ने, जिन जिन लोगों ने प्रयत्न किए, उनमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा है हिंदी के महान साहित्यकार यौहर राजेंद्र सिंह इनका। और उनका जो जन्मदिन था वो भी 14 सितंबर था, और उनकी 50वां वो जन्मदिन था, इसीलिए ये भी कारण है कि वही दिन हिंदी दिवस चुनने का एक कारण है। व्यवहार राजेंद्र सिंह के साथ साथ काका कालिलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, इन्होंने भी हिंदी के लिए, हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए अपने प्रयत्न किया, और इसलिए उनका भी योगदान महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान ने दो भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया है, एक है हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। मैंने आपसे कहा कि भारतीय संविधान के भाग 17 और कलम 343(1) के अनुसार हिंदी हमारी, हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी दिवस मनाने का जो शुरुआत हुई वो 1953 से हुई, तो इसलिए अगर एक ज़्यादा जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि 14 सितंबर 1949 को संविधान ने उसे स्वीकार किया, निर्णय लिया, मगर पहला हिंदी दिवस भारत में कब मनाया गया, तो 1953 साल से भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह खड़ा होता है, अगर हिंदी इतनी बोली जाती है, क्योंकि हमारे जो उत्तर भारत का जो प्रदेश है वहाँ पर आमतौर पर ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी भाषा है। लगभग 50 करोड़ के आसपास की जो आबादी है वो हिंदी भाषा बोलती है, और उनकी हिंदी भाषा की जो 50 बोलियाँ हैं उसका भी उपयोग राज्यों में किया जाता है, जैसे अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, हरियाणवी, कुमाऊनी, मगधी, मारवाड़ी, ये हिंदी की बोलियाँ हैं। और इन सभी को मिलाकर अगर हम उसका मूल्य बनाएंगे तो लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोग आज भारत में हिंदी बोलते हैं। तो हमें सवाल, अपने मन में सवाल खड़ा होता है, तो फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? तो इसका जवाब है मित्रों,
कि जब ये प्रस्ताव सामने आया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, तब जो दक्षिण भारत के जो राज्य है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, ये जो राज्य है ये अहिंदी भाषिक राज्य है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, उनकी अलग भाषा है, उनके राज्य की बोलने चलने की भाषा अलग है, हिंदी का और उनका तालमेल नहीं बैठता, और इसीलिए उन राज्यों ने इसका कड़ा विरोध किया कि हम हिंदी को पूरे देश की भाषा नहीं बनने देंगे, पूरे देश की राजभाषा, पूरे देश की राष्ट्रभाषा नहीं बनने देंगे, और इसका आंदोलन शुरू हुआ। जब ये विचार सामने आया कि हम इसको राष्ट्रभाषा बनाएंगे, पूरी देश की भाषा बनाएंगे, तो दक्षिण भारत के राज्यों में उसके खिलाफ, उसके विरोध में आंदोलन शुरू हुआ, और इतना आंदोलन ये तीव्र हो गया कि तमिलनाडु में हिंसाचार हो गया हिंदी के खिलाफ, हिंदी के विरोध में, और इसलिए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम इस भाषा को पूरे देश की भाषा न बनाते हुए दो भाषाओं को ऐसी मान्यता देंगे, और इसलिए उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी इन दो भाषाओं को राजभाषा के तौर पर मान्यता दी। और ये भी यह स्पष्ट है कि सिर्फ राजभाषा ऐसा उल्लेख है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसा उसमें उल्लेख आया है, तो इसलिए हिंदी यह हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। भले ही हम हिंदी को हमारे बोलन चालन के रूप में बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्र की भाषा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, मगर संविधान में या फिर शासकीय रिकॉर्ड में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया हुआ, इसका उल्लेख नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ऐसा होने के बावजूद भी हमें मान्य करना चाहिए कि हिंदी यह भारत की सबसे ज़्यादा बोलने वाली, सबसे लोकप्रिय और सबसे मीठी भाषा है, क्योंकि हमारे जो सभी वार्तालाप है, मीडिया है, न्यूज़पेपर्स है, हम जो नेशनल लेवल पे जो भी कार्यक्रम प्रोग्राम देखते हैं उसकी जो भाषा है तो उसकी भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी का महत्व बहुत अनन्य साधारण है। तो इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैंने आज हिंदी भाषा में आपको यह बोलने का प्रयास किया है। मुझे पता है कि इस वीडियो में मेरी कुछ वह गलतियाँ हो सकती है, बोलने में गलतियाँ हो सकती है, मगर मैंने ऐसा ठान लिया था कि भले ही मेरे तरफ से कुछ गलतियाँ हो, मगर मैं आज हिंदी में ही आपको इस दिन की दिवस की माहिती दूंगा। तो इस हिंदी दिवस पर मैं आप सभी को फिर एक बार हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।